इसलिए भगवान से मिलने का तरीका ये है कि पहले अपने मन वाणी विचार को शुद्ध करें। इसे यज्ञ का प्रसाद खाने से हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है, फिर हम सत्कर्म करते हैं। फिर उसके बाद सत्कर्म करने से हमारा और भगवान से मिलन होता है। इसलिए भगवान के सभी भगवान का वर्णन कर सकते हैं, हम पवित्र हो जाएंगे, हम इंसान बन जाएंगे। हम इंसान कैसे बन सकते हैं कि हम अपने हाथों को पवित्र करेंगे। तो जब तक आप पवित्र हाथों को पवित्र नहीं कर सकते हैं तब तक हम इंसान नहीं बने। जब हाथों पर पवित्र हो जाती है तब फिर हम भगवान का वर्णन करते हैं। जो भगवान का वर्णन करता है वही इंसान है। जो भगवान से विमुख है इंसान वो समझो कि पशु की गिनती में है। इसलिए हम सब हमारी इस सावन मेरे पावन अवसर पर जो भी यज्ञ करता है, यज्ञ का प्रसाद पाता है, उनके सब मन वाणी पवित्र हो जाती है। उसके बाद वो सत्कर्म करता है, सत्कर्म करने से भगवान से मिलन हो जाता है। और ये शरीर है क्या है? ये शरीर और स्वर्ग और नर्क सीढ़ी है। ये भूमि क्या है? ये स्वर्ग है। इस भूमि को जो भी अच्छे धर्म कर्म करते हैं उसके बाद उसकी जब मृत्यु होने पर भगवान उनको खुश दे देते हैं, भगवान उनको रहने की जगह कलश प्रबुद्ध कर देते हैं। इसलिए किसी इंसान शरीर है, किसी इंसान और नर्क सीढ़ी है।